जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का अचीव में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में PT 365 का जो एनवायरनमेंट है उसको हम लोग देखेंगे। एनवायरनमेंट में हम लोग क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है उससे देखेंगे। बेसिकली ये जो विजन आईएएस का जो अपडेटेड मटेरियल है जनवरी टू मार्च 24 का करंट अफेयर्स, उस पर बेस्ड है सारे MCQs हैं, तो जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू इंसेंटिवाइज एनवायरमेंट पॉजिटिव एक्शंस बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सच एज इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है क्या है, तो मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो इंसेंटिवाइज किया जाता है किसके द्वारा, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के द्वारा। और स्टेक होल्डर्स क्या हो सकते हैं, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट और फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकता है। इसमें जो पार्टिसिपेशन हो क्या कंपल्सरी नेचर होता है, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि अंडर ग्रीन क्रेडिट रूल, ग्रीन क्रेडिट रूल के अंदर आइडेंटिफाइड लैंड पार्सल्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द इनकम्ब्रेंस एंड शुड बी एटलीस्ट 4 हेक्टेयर इन साइज। मतलब कब से कब कितना, 4 हेक्टेयर साइज होना चाहिए ग्रीन क्रेडिट रूल्स के अनुसार जो आइडेंटिफाइड लैंड पार्सल्स है वो। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें बताने हैं आपको कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर आपके सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है। वो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, वो है आपका फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकेंड और थर्ड आपका रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इसमें पार्टिसिपेशन होता है कंपलसरी ना होकर के क्या होता है, वॉलंट्री होता है, वॉलंट्री होता है, वॉलंट्री। क्लियर है। सेकेंड यहाँ पे बात करें तो अंडर ग्रीन क्रेडिट रूल्स जो आइडेंटिफाइड लैंड पार्सल्स होता है वो कम से कम 4 हेक्टेयर ना होकर के कितना, 5 हेक्टेयर होता है, 5 हेक्टेयर साइज में होना चाहिए। चलिए डिटेल देखते हैं यहाँ पे कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है, तो ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने आइडेंटिफाई किया, नोटिफाइड किया मेथोडोलॉजी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अ ग्रीन क्रेडिट्स फॉर ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज, दैट्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम 2023 रूल्स अंडर द किसके, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। बात करें तो क्या है कि ग्रीन क्रेडिट रूल्स के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड यूटी आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई डिग्रेडेड लैंड पार्सल्स अंडर देयर कंट्रोल टू एनहेंस द ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए अपना ये लैंड पार्सल्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी जो स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो कि एक स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है आपका क्या है कि मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म जो इंसेंटिवाइज करता है एनवायरमेंट पॉजिटिव एक्शंस बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर्स क्या है, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट और फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया इस, और सेकेंड स्टेटमेंट आपका ये रहा कि द पार्टिसिपेशन इज इन वॉलंटरी नेचर, कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी नेचर है। एम क्या है इसका, तो एम टू अलाइंड विद द लाइफ लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट इनिशिएटिव एंड प्रमोट, क्या प्रमोट करता है, सस्टेनेबल लिविंग, एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन। एस्टेब्लिश की बात करें तो अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या इसकी नोडल एजेंसी है। क्लियर है। अच्छा इस क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द सिक्स्थ सेशन ऑफ यूएन, द सिक्स्थ सेशन ऑफ यूएन एनवायरमेंट असेंबली UNEA 6 गॉट कंक्लूडेड रिसेंटली एट द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP हेडक्वार्टर इन देवोस। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है इसका थीम क्या था, थीम था इसका इफेक्टिव, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मल्टीलेटरल एक्शंस टू टैकल क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस को टैकल करने के लिए और पॉल्यूशन को क्या कंट्रोल करने के लिए, मतलब एक मल्टीलेटरल एक्शन लेने की जरूरत है। द UNEA जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली 7 का जो मीटिंग होगा वो दिसंबर 2025 में स्टॉकहोम में होगा। ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ बताना है आपको कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। बताइए यहाँ पे आपके 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, आंसर आपका बी होगा।
वो दो स्टेटमेंट कौन कौन से जो करेक्ट नहीं है, तो आपका फर्स्ट वन इज करेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यूएनई का जो आपका मीटिंग, सिक्स का मीटिंग जो हुआ था दैवोस में ना होकर, कहाँ पे हुआ था? नैरोबी केन्या में हुआ था, नैरोबी नैरोबी केन्या, क्लियर है? सेकेंड, इसका थीम जो था वो करेक्ट है, इफेक्टिव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मल्टीलेटरल एक्शन टू टेकल क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पॉल्यूशन, ये सेकेंड करेक्ट है। थर्ड आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यूएनई जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली 7 का जो मीटिंग होगा वो दिसंबर 2025 में ही स्टॉकहोम में नहीं होगा, ये कहाँ पे होगा? नैरोबी में ही होगा, नैरोबी केन्या में ही होगा, क्लियर है? डिटेल्स देखते हैं एक बार यहाँ पे। द सिक्स सेशन ऑफ यूनाइटेड द सिक्स सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली UN6 से गॉट कंक्लूडेड रिसेंटली एट द यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनएपी हेडक्वार्टर इन क्या, केन्या, नैरोबी में। थीम की बात करें तो थीम इफेक्टिव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मल्टीलेटरल एक्शन टू टेकल क्या, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पॉल्यूशन, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड स्टेटमेंट था, ये थर्ड स्टेटमेंट था आपका कि UN7 का जो मीटिंग होगा दिसंबर 2025 में कहाँ पे होगा? नैरोबी में होगा। रिपोर्ट्स की बात कर लें तो UN6 में कौन कौन से रिपोर्ट्स रिलीज या अवार्ड अनाउंस हुआ था, तो फर्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024, ठीक है, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024, और यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, यही आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। बात करें यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था अंडर मतलब 2012 में, और किसके, एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हुआ था। यह क्या है? वर्ल्ड हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिस पे एनवायरमेंट के लिए। रोल्स और फंक्शंस की बात करें तो सेट द एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल एजेंडा, प्रोवाइड ओवरआर्चिंग पॉलिसी गाइडेंस एंड डिफाइन पॉलिसी रिस्पॉन्स टू एड्रेस द इमर्जिंग एनवायरमेंट एंड चैलेंजेस इन द वर्ल्ड, क्लियर है? चलिए थर्ड आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग इन्वॉल्व मेकिंग अ प्रोडक्ट और पॉलिसी सिम्स मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली और लेस डैमेजिंग देन इट इज इन रियलिटी, मतलब जो रियलिटी में उससे ज्यादा मतलब कम कम क्या हो, मतलब लेस डैमेज करे और मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसको क्या ग्रीन वॉशिंग प्रोडक्ट्स ने कहा जाता है। ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट की बात करें यहाँ पे, ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट ऑफ द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रेट्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स विद इन अ स्पेसिफिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनवायरमेंटल क्या, फ्रेंडलीनेस। थर्ड यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क टू डेवलप अ टूल, एक टूल को डेवलप करने के लिए जो हेल्प करेगा टू रेगुलेट मोर इफेक्टिवली टैकल ग्रीन वॉशिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट से दिए हुए, आपको बताना है कि करेक्ट कितने हैं, बताइए कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। यहाँ पे आपके ऑल थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज सॉट पब्लिक कमेंट्स ऑन द प्रपोज्ड ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन, प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ग्रीन वॉशिंग इशूड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, किसके अंडर में? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। न्यूज में क्यों रहा है कि ग्रीन वॉशिंग इन्वॉल्व मेकिंग अ प्रोडक्ट और पॉलिसी सीम्स मोर फ्रेंड एनवायरमेंट फ्रेंडली और लेस डैमेजिंग दैन इन इट्स रियलिटी। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हैज डेवलप्ड अ स्टैंडर्ड फॉर इको लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होता है उसको इको लेबलिंग करने के लिए कॉल्ड तो क्या है आपका, उनका सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें 2019 एस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटेड टू फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो प्रचार किया जाता है, फेक और मिसलीडिंग एडवर्टाइजर्स को क्या करने का प्रोग्राम, क्लियर है?
देखिए कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, जैसे कि टाइप्स ऑफ ग्रीन वॉशिंग में, जैसे कि ग्रीन हाउसिंग। ग्रीन हाउसिंग में क्या होता है, कंपनी अंडर रिपोर्ट, जो कंपनी होता है अंडर रिपोर्ट करती है और हाइड करती है सस्टेनेबल क्रेडेंशियल टू अवॉइड स्क्रूटिनी। ठीक है, ग्रीन रिंसिंग की बात करें, व्हेन कंपनी रेगुलरली चेंजेज इट्स ईएसजी मतलब इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस टारगेट बिफोर अचीविंग देम, मतलब अचीव करने से पहले अपना ईएसजी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस टारगेट को क्या चेंज करते रहते हैं। ग्रीन लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग ऑफ एन एसेंशियल ऑन सस्टेनेबल प्रोडक्ट एज ग्रीन और सस्टेनेबल। ग्रीन लाइटिंग की बात करें तो द हाईलाइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रीन फीचर्स ऑफ अ बिजनेस प्रोडक्ट और एक्टिविटी टू ड्रो अटेंशन अवे फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट हार्मफुल एक्शंस, मतलब जो अटेंशन होता है उससे काफी दूर इनका ये होता है। ग्रीन शिफ्टिंग की बात करें तो व्हेन कंपनीज रिड्यूस द क्लाइमेट क्राइसिस टू कंज्यूमर बिहेवियर एंड शिफ्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द क्या इंडिविजुअल। ग्रीन क्राउडिंग की बात करें तो व्हेन कंपनी हाइड्स विद इन द ग्रुप एंड एंड इज स्लो टू एडोप्ट सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी, काफी स्लोली क्या करते हैं, एडोप्ट करते हैं या उसको हाइड कर देते हैं। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो 20 लार्जेस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर्स आर मेंबर ऑफ द अलायंस टू द इंड प्लास्टिक वेस्ट ग्लोबल अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेडिकेटेड क्लाइमेट फंड एस्टेब्लिश अंडर द मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट 2010, मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेडिकेटेड जो क्लाइमेट फंड था वो एस्टेब्लिश किया गया मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट के दौरान 2010 में। ग्रीन क्लाइमेट फंड इज अकाउंटेबल टू द यूनाइटेड नेशन, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो यूनाइटेड नेशन के लिए अकाउंटेबल है। इट्स सेक्रेटरियट इज लोकेटेड इन सियोल साउथ कोरिया, इसका जो सेक्रेटरियट है वो कहाँ पे, सियोल साउथ कोरिया में स्थित है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर है आपका वल्ली वन, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। वो कौन सा है, वो आपका है फर्स्ट रॉन्ग है, सेकेंड करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है यहाँ पे कि बात करें तो जो वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड जो एस्टेब्लिश हुआ था मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट के अंडर में न हो करके कैनकन एग्रीमेंट के अंडर में 2010 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ग्रीन क्लाइमेट फंड का जो सेक्रेटरियट है वो सियोल में नहीं है, सियोल में नहीं है, सियोल में नहीं है, तो फिर कहाँ पर है, तो ये है इंचियोन में, इंचियोन इंचियोन जो कहाँ पे, साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया। क्लियर है, चल बात करें यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि न्यूज में क्या होता ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करें यहाँ पे तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के वर्ल्ड लार्जेस्ट डेडिकेटेड क्लाइमेट फंड एस्टेब्लिश अंडर द कैनकन एग्रीमेंट इन 2010। मैंडेट क्या था, टू फोस्टर अ पैराडाइम शिफ्ट टूवर्ड्स लो इमिशन क्लाइमेट रिसाइलेंट डेवलपमेंट पाथवे इन द डेवलप्ड सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अकाउंटेबल किसके लिए, तो यूनाइटेड नेशन के लिए, सेक्रेटरीट की बात है एनचियन साउथ कोरिया में है। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की बात करें तो एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान। ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड वाज एस्टेब्लिश टू हेल्प क्या करने के लिए, टू टैकल आवर प्लेनेट मोस्ट मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंट प्रॉब्लम। एडेप्टेशन फंड की बात करें तो एडेप्टेशन फंड का स्थापना 2001 में किया गया था, जिसका एम क्या था, फाइनेंस कंक्रीट एडॉप्शन एडेप्शन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम इन डेवलपिंग कंट्रीज में पार्टिसिपेट टू द क्या क्योटो प्रोटोकॉल। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो 2008 में इसका स्थापना किया गया था एज अ मल्टीलेटरल क्लाइमेट फंड के रूप में। क्लियर है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। इंडिया फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च्ड इन लखनऊ, मतलब इंडिया का पहला फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च हुआ लखनऊ में, लॉन्च हुआ है, ये पहला स्टेटमेंट है। ट्रेड पॉलिसी टूल फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय डब्ल्यूएमओ, डब्ल्यूएमओ के द्वारा रिलीज किया गया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया है किसके द्वारा,
WTO के द्वारा, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बताइए। तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑल सॉरी करेक्ट नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, क्यों करेक्ट नहीं है? फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जो इंडिया का फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च हुआ है, लखनऊ में नहीं हुआ है। लखनऊ में नहीं हुआ तो कहाँ पे हुआ है? नागपुर में हुआ। कहाँ पे? नागपुर में। क्लियर। सेकंड बात करें, सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि ट्रेड पॉलिसी टूल फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट जो रिलीज किया गया था वो किसके द्वारा? WMO के द्वारा नहीं हुआ है, ये किसके द्वारा किया है? WTO के द्वारा किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग इसलिए है क्योंकि द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जो रिलीज किया गया है वो WTO के द्वारा नहीं करके किसके द्वारा किया गया? WMO के द्वारा किया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। इसलिए तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, इंडिया फर्स्ट जो स्पेसिफिक जीरो कार्बन लॉन्च नहीं ना, कहाँ पे? नागपुर में लॉन्च हुआ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट चेंज जो रिलीज किया गया था WTO द्वारा रिलीज किया गया था, एंड स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट जो रिपोर्ट है वो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। सो फ्रेंड्स, ये लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।